हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल SPS एजुकेशन हीरा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री यूनिट 2 सॉल्यूशन के इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 3। हम पहले दो इंटेक्स क्वेश्चन कर चुके हैं, अगर आपको वो चाहिए तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आपको एग्जाम्पल के सॉल्यूशन चाहिए तो भी आपको मिल जाएंगे। तो आज का नंबर 3 हम चालू करते हैं। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 1, 30 ग्राम ऑफ CONO3 ट्वाइस डॉट 6H2O इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और नंबर 2, 30 ml ऑफ 0.5 ml H2SO4 डाइल्यूटेड इन 500 ml। देखिए फ्रेंड्स, आपको ये एग्जाम में आने के चांस ज़्यादा है क्योंकि ये दो क्वेश्चन पूछे हैं, तो 2 मार्क में आराम से आ सकते हैं और ये MCQ में भी आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। नंबर 1, वेट ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू 30, हम पहले सॉल्व करेंगे। बाद में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, तो 4300 ml। देखिए यहाँ पर हमने ml में कन्वर्ट किया है, तो आपको मल्टीप्लाई बाय 1000 करना पड़ेगा, जो हमने मोलारिटी के टॉपिक में पढ़ा था। अब आता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ CONO3 ट्वाइस डॉट 6H2O, तो वो हमारा होगा 290.93। ये कोबाल्ट, बाद में ये NO3 इंटू ट्वाइस प्लस 6.H2O, वो आपको फाइंड करना आता होगा। अब आते हैं मोलारिटी का फॉर्मूला। ये हम बेसिक वाला फॉर्मूला करेंगे क्योंकि मुझे तो हर बार यही इजी लगता है, वो भी आता है, पर आपको सिंपल और लेस टाइम में आंसर चाहिए तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करने का। वेट ऑफ सॉलिड इंटू 1000 अपॉन मोलिकुलर वेट इंटू वॉल्यूम, तो मोलारिटी इज इक्वल टू 30 इंटू 1000 अपॉन 290.93 इंटू 4300। तो मोलारिटी इज इक्वल टू 0.024 मोल पर लीटर। तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब नंबर 2 बात है कि 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 डाइल्यूटेड इन 500 ml। तो बी में M1 इज इक्वल टू 0.5 मोलर, M2 हमको फाइंड करना है, V1 इज इक्वल टू 30 ml और V2 500 ml। तो ये हमारा एक फॉर्मूला है, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। तो हमको सारी वैल्यू दी है, M2 अननोन है, तो M2 इज इक्वल टू M1 V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू 0.5 इंटू 30 अपॉन 500, तो M2 इज इक्वल टू 0.03 मोल पर लीटर। यही हमारा फाइनल आंसर है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और हार्ड वर्क करने के लिए, और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।